दोस्तों पीएचपी की क्लास में हम लोग देखेंगे लूप। दोस्तों लूप का यूज जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं, जब कोई कोड को रिपीट करना होता है, कोई कोड को हम लोग जब रिपीट करना चाहते हैं, REPEAT रिपीट, रिपीटिंग ए कोड, ठीक है ना, रिपीट ए कोड, तो ये क्या होगा, लूप की मदद से कोड को रिपीट कर सकते हैं। और पीएचपी में दोस्तों लूप जो होता है वो आपका चार प्रकार का लूप है। एक होता है व्हाइल लूप, एक होता है आपका डू व्हाइल लूप, फिर एक होता है आपका फॉर लूप, उसके बाद फिर आपका होता है फॉर ईच लूप। ये चारों लूप हम लोग इसी क्लास में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाइल लूप। तो देखिए दोस्तों व्हाइल लूप में सबसे पहले एक वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं एन नाम से, और इसका इनिशियल वैल्यू जो है वो हम लोग रख देंगे 1। उसके बाद अब यहाँ लिखेंगे हम लोग व्हाइल और ब्रैकेट, और यहाँ पे हम लोग कंडीशन देंगे जो एन नाम का जो वेरिएबल हम लोगों ने बनाया था कि उसका वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10 होना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर में, इस ब्लॉक के अंदर में जो भी कोड आप रन करवाना चाहते हैं वो लिख दीजिए, जैसे इको दी वैल्यू ऑफ डॉलर साइन और एन, और उसके बाद दोस्तों एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम लोग यूज करेंगे एन प्लस प्लस, ताकि एन का वैल्यू जो होगा वो जितना बार लूप हो उतनी बार उसमें एक 1 ऐड हो, ठीक है ना। अब इस कोड को रन करते हैं, तो एक मिनट रन करेंगे, उससे पहले यहाँ पे मैं br जो कि html का टैग होता है जिससे लाइन ब्रेक होगा इसको दे देता हूँ। अब सर्वर ऑन कर लेते हैं पहले हम लोग, और इसके बाद अब गूगल क्रोमो ओपन करेंगे, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लोकल हॉस्ट पीएचपी ट्यूटोरियल, और जैसा कि आज का क्लास है लूप, और इस फाइल का नाम हमने दिया है loop.php। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना बार रिपीट हो रहा है, 10 टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है। एन का वैल्यू स्टार्टिंग में हम लोगों ने 1 लिया था, और इंक्रीमेंट ऑपरेटर की मदद से जितना बार लूप हो रहा है उसमें 1 ऐड हो रहा है। तो ये 10 तक ही क्यों हो रहा है दोस्तों, 10 तक होने का रीजन ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन दिया था कि जो भी n का वैल्यू होगा वो 10 के बराबर होगा या फिर 10 से छोटा होगा। तो 1 10 से छोटा है, और यहाँ पे जितना भी नंबर है देखिए 1 से लेके 9 तक ये सारा छोटा है, और 10 10 का बराबर है, इसीलिए ये जो लूप हुआ 10 तक हुआ। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं 20 कर दूंगा, तो अब ये जो लूप है दोस्तों ये 20 तक होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डू व्हाइल लूप। तो दोस्तों डू व्हाइल लूप में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं डू, उसके बाद इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर में जो भी रन करवाना है आपको कोड वो लिख दीजिए, और उसके बाद में फिर व्हाइल, और व्हाइल के अंदर में हम लोग कंडीशन देंगे जैसे यहाँ पे हम लोग दिए थे, तो यहाँ पे भी कंडीशन जो है सेम, यहाँ पे 10 दे देते हैं और यहाँ पे भी 10 दे देते हैं। दोस्तों इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब ये वाला रन होगा, ऊपर वाला रन नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे 1 1। अच्छा दोस्तों यहाँ पे देखिए इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो था वो हम लोगों ने नहीं दिया था,
तो यहाँ पे हम लोगों को इंक्रीमेंट ऑपरेटर देना पड़ेगा, डॉलर साइन प्लस प्लस। इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं देंगे तो एन का वैल्यू चेंज नहीं होगा और जो लूप है वो हमारा कंटिन्यू होते रहेगा, ये रुकेगा नहीं, देखिए। ठीक है, अब ये दोनों लूप में फर्क क्या होता है दोस्तों? व्हाइल लूप क्या होता है? व्हाइल लूप कब रिपीट होता है? देखिए, ये कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है। व्हाइल लूप रिपीट कब करता है? इफ कंडीशन, अगर कंडीशन जो है, इफ कंडीशन इज ट्रू देन इट रिपीट द कोड, जो ब्लॉक के अंदर में कोड लिखा रहेगा उसको ये रिपीट करेगा। कब तक करेगा? अनटिल द कंडीशन बिकम फॉल्स, जब तक कि जो कंडीशन है वो फॉल्स नहीं हो जाता तब तक व्हाइल लूप जो है वो रिपीट करते रहेगा, और कंडीशन सही होगा तब ही रिपीट होगा। और दोस्तों ये जो डू व्हाइल लूप है ये क्या है? ये एक बार तो जो भी कोड होगा वो रिपीट करेगा, वंस इट रिपीट, इट रिपीट, ठीक है, वंस इट रिपीट, वंस एक बार ये रिपीट करेगा चाहे ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, इसको कोई मतलब नहीं है, ये एक बार तो रिपीट करेगा चाहे कंडीशन जो है वो ट्रू हो चाहे फॉल्स हो। एक बार रिपीट करने के बाद में देन फिर वो कंडीशन चेक करेगा, फिर वो कंडीशन चेक करेगा, और अगर कंडीशन ट्रू होगा और इफ कंडीशन, इफ ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होगा, ट्रू होगा तो फिर वो रिपीट करना कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अदरवाइज, अदरवाइज स्टॉप, या फिर उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे कंडीशन जो था ये चेक कर रहा, अगर ये कंडीशन जो है ये, मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, तो अब क्या कंडीशन हो गया कि ये तभी लूप करेगा जब n 10 से बड़ा होगा, बट 10 का वैल्यू 1 है और 1 10 से बड़ा नहीं होता है। तो अगर रिपीट, हम लोग अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए एक बार लूप हुआ, ठीक है, जो कि आपका डू वाइल में होगा। बट अगर यही चीज हम लोग वाइल में अगर करते हैं, इसको कॉमेंट कर देते हैं, अब ये वाइल वाला को यहाँ पे हटा के आप इसका कंडीशन चेक करके देखिए, चेंज करके देखिए, यहाँ पे कंडीशन मैंने चेंज कर दिया है। और अब अगर हम लोग जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए एक बार भी लूप नहीं होगा, ठीक है, हमारा कोड जो है एक बार भी वो एक्सिक्यूट नहीं करेगा। तो दोस्तों ये था वाइल और डू वाइल। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे फोर लूप। तो दोस्तों फोर लूप में क्या करना पड़ता है? फोर उसके बाद ब्रैकेट। जैसे दोस्तों देखिए व्हाइल लूप जब हम लोग कर रहे थे तो ये जो वैल्यू था ये हो गया इनिशियलाइज वैल्यू, मतलब एन का जो स्टार्टिंग वैल्यू है, उसके बाद हम लोग कंडीशन दे रहे थे और उसके बाद इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे थे। सेम उसी प्रकार से जब हम लोग डू कर रहे थे तो उसमें भी देखिए इसका इनिशियल जो वैल्यू है ये हो गया, और इसका ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये हो गया, और कंडीशन जो हो गया ये हो गया। फोर में क्या होता है दोस्तों कि एक ही जगह यहीं पे ही हम लोग जैसे ये जो एन है इसको भी यहाँ पे हम लोग कमेंट कर देते हैं, और यहीं पे दोस्तों हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और इसका वैल्यू हम लोग वन ले सकते हैं, फिर कॉमा, उसके बाद में फिर ये जो वेरिएबल है यहाँ पे कंडीशन यहीं पे हम लोग दे सकते हैं कि ये लेस देन और इक्वल टू 10 होगा, और उसके बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है इसी ब्रैकेट के अंदर में ही हम लोग दे सकते हैं, ठीक है।
और उसके बाद जो भी कोड हम लोगों को रन कराना है वो हम लोग इसके अंदर लिख देंगे। अब इसको हम लोग जाते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए दोस्तों ये इस तरह से काम कर रहा है। ये था फोर लूप। अब हम लोग देखेंगे फोर ईच लूप। तो दोस्तों फोर ईच लूप होता है, ये काम आता है एरे एलिमेंट को डिस्प्ले करने के लिए। एरे एलिमेंट जो होता है उसके अंदर में जो वैल्यूज हो गया उसको हम लोग डिस्प्ले करेंगे, ठीक है, डिस्प्ले करवाएंगे इसके मदद से। तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, एक एरे वेरिएबल हम लोग बनाएंगे जिसका नाम हम लोग ए आर आर रख देते हैं, और उसके बाद एरे डिक्लेयर करने के लिए एरे कीवर्ड का यूज करना पड़ता है और ओपन और क्लोज ब्रैकेट देते हैं, और इसके अंदर में फिर हम लोग वैल्यू देते हैं। जैसे यहाँ पे इसका नाम मैं रख देता हूँ वैल्यू, वी एल ए वैल्यू 1, फिर कॉमा। उसी प्रकार से फिर इसी को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, ये वैल्यू 2, और उसके बाद फिर कॉपी करते हैं पेस्ट करते हैं वैल्यू 3। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 3 वैल्यू ले रहा हूँ एरे में। अब इसको हम लोग फोर ईच लूप की मदद से डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है, फोर ईच। उसके बाद जो एरे का नाम होगा वो देंगे, एरे का नाम, उसके बाद एस, और उसके बाद में एक वेरिएबल जैसे कि मैं नाम दे देता हूँ वैल्यू। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ई को, और उसके अंदर में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में यहाँ पे डॉलर साइन वैल्यू, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं एक बी आर टैग ले लेता हूँ, बी आर टैग, ताकि लाइन ब्रेक हो सके। अब हम लोग जब इसको रन करेंगे तो देखिए दोस्तों वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, जो भी एरे का वैल्यू होगा एरे के अंदर, तो इससे हम लोग डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये था फोर ईच लूप। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास इतना ही। आज के क्लास में हम लोगों ने देखा लूप इन पीएचपी और व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फोर लूप और फोर ईच लूप, ये सारा चीज हम लोगों ने इस क्लास में सीखा। अगर ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।